बहराइच में दंगाइयों के घर पर लगे नोटिस का आज आखिरी दिन है और उपद्रवियों को 3 दिन में नोटिस का जवाब देना था। कार्रवाई के डर से अतिक्रमणकारियों ने खुद अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। 40 घरों पर शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाए थे। बहराइच के दंगाइयों के घर पर लगे नोटिस का आज मियाद खत्म हो चुकी है। उपद्रवियों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने 3 दिन में नोटिस का जवाब देना था और आज वो तीसरा दिन है, यानी योगी का बुलडोजर तैयार है। जिन मकानों पर नोटिस चिपकाए गए थे, आज उन मकानों पर योगी का बुलडोजर चल सकता है। बहराइच के दंगाइयों पर योगी के बुलडोजर का खौफ ऐसा दिखा कि सरकारी एक्शन से पहले ही लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, अवैध निर्माण भी तोड़ने शुरू कर दिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं, उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है। जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ बहराइच के उपद्रवी शनिवार को दिन भर अपना सामान निकालते रहे, अपने अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलाते रहे, तो दूसरी तरफ इलाके में एक बुलडोजर भी तैनात नजर आया। यानी बस उस वक्त का इंतजार है जब अवैध मकानों पर योगी का बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था उसमें अब्दुल हमीद समेत कई आरोपी शामिल हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन से पहले ही उसकी गूंज सुनाई देने लगी है और यहां अतिक्रमण हटाने का आज आखिरी दिन है। प्रशासन की तरफ से 18 तारीख को नोटिस लगाया गया था और इससे पहले कि बुलडोजर सब कुछ तहस नहस करते, लोग खुद अपना आशियाना तोड़ रहे हैं, घर खाली करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 18 तारीख को टर घर का उठा हुआ है और उसमें से जो सामान रखे थे उन किया जाता है कि आप 3 अपना अतिक्रमण हटाने का आज आखिरी दिन है और आप तस्वीर देखिए तो लोग खुद से आज अपने घरों का अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मजदूर लगाए गए हैं जिसे कि अतिक्रमण को हटाया जा सके। आपको बता दें कि 18 तारीख को शाम को इन अवैध तरीके से बने हुए घरों पर सरकार के द्वारा नोटिस चस्पा की गई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 3 दिन का समय दिया जाता है, आप अपने हाथों से अतिक्रमण अपना हटा लें नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और उससे उसका राजस्व वसूली इन्हीं घर के मालिकों से किया जाएगा। जिसके बाद खुद से लोग अपने घरों से सामान हटा रहे हैं और अतिक्रमण भी तोड़ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊं तो हमारे ठीक सामने ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि रामगोपाल मिश्रा के हत्या का मुख्य आरोपी है। इन्होंने भी अपने घर को खाली कर दिया है। साफ तौर पर दिख रहा है कि देखिए किस तरह से शटर घर का उठा हुआ है और उसमें से जो सामान रखे थे उन सामानों को हटा लिया है। इसके अलावा बगल के भी घर पे नोटिस चस्पा है, इसके बगल में भी नोटिस चस्पा है। 23 ऐसे मकान हैं जहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सूचित किया जाता है कि कुंडासार मसही नानपारा प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। विभागीय मानक के अनुसार जिला मार्ग पर रूरल एरिया में मार्ग के मुख्य बिंदु इतने पर कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण के श्रेणी में आता है। अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप 3 दिन के अंदर अपना अवैध निर्माण हटा ले और जो सामान है उसे खाली कर दे नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और जो उससे राजस्व होगा वो भी इन्हीं से वसूला जाएगा। कल से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच।